हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कानपुर सेंट्रल से सीतापुर जंक्शन के लिए चलने वाली ट्रेनों के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कानपुर सेंट्रल से सीतापुर जंक्शन के लिए कौन कौन सी ट्रेनों का परिचालन रेलवे के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन होगा, आप लोग उस बटन को दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे नए यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो आज हम बात करेंगे कानपुर सेंट्रल से सीतापुर के लिए चलने वाली ट्रेनों के बारे में। मैं आपको इन ट्रेनों का दिन और ये ट्रेनें आपके किस समय पर चलाई जाती हैं इन सभी के बारे में जानकारी दूंगा, आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। देखिए, मैं आपको बताऊं, रेलवे के द्वारा कानपुर सेंट्रल से सीतापुर के लिए दो ट्रेनें चलाई जाती हैं। सबसे पहली ट्रेन है, ये ट्रेन कानपुर सेंट्रल से सीतापुर चलती है और इस ट्रेन का नंबर 12107 नंबर। और ये जो ट्रेन है आपकी कानपुर सेंट्रल से हफ्ते में 3 दिन चलाई जाती है। ये ट्रेन मुंबई से चलती है सीतापुर के लिए और हफ्ते में 3 दिन चलती है। साथ ही दूसरी ट्रेन कानपुर सेंट्रल से सीतापुर सिटी चलती है, ये विशेष रेलगाड़ी है, प्रतिदिन चलाई जाती है। तो आज जानते हैं इन ट्रेनों के टाइमिंग और किराए के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मुंबई से सीतापुर के लिए चलने वाली ट्रेन 12107, ये ट्रेन आपकी कानपुर सेंट्रल से सीतापुर के लिए, इस ट्रेन का किराया 85 रुपये का है और ये ट्रेन आपके दोपहर के 1:45 पर रवाना होती है कानपुर सेंट्रल से। हफ्ते में 3 दिन चलती है, रविवार को, मंगलवार को, बृहस्पतिवार को चलती है कानपुर सेंट्रल से सीतापुर सिटी के लिए, सीतापुर जंक्शन के लिए ये ट्रेन आपकी चलाई जाती है। कानपुर सेंट्रल से दोपहर के 1:40 पर आके 1:45 पर रवाना होती है। इसके बाद ये ट्रेन आपकी ऐशबाग आती है दोपहर के 3:20 पर, मोहिबुल्लापुर आती है 3:59 पर, सिधौली आती है 4:33 पर, सीतापुर जंक्शन शाम 5:25 पर आने का समय रहता है। ये ट्रेन हफ्ते में 3 दिन चलाई जाती है कानपुर से सीतापुर, रविवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार को 121.07 नंबर के साथ। सबसे पहली ट्रेन थी आपकी कानपुर से सीतापुर चलने वाली, मुंबई सीतापुर। अब बात करते हैं दूसरी ट्रेन, दूसरी ट्रेन आपकी कानपुर सेंट्रल से सीतापुर सिटी के लिए चलाई जाती है और ये ट्रेन आपकी एक्सप्रेस से पहले ही पैसेंजर थी कोरोना काल से पहले, लेकिन अब ये ट्रेन आपकी एक्सप्रेस के रूप में चलाई जा रही है और इस ट्रेन में विशेष किराया रेलवे के द्वारा लिया जाता है। ये ट्रेन जो है आपकी प्रतिदिन चलती है सुबह 5:25 पर कानपुर सेंट्रल से सीतापुर सिटी, शाम 4:25 पर आती है। तो इस ट्रेन का जो नंबर रहता है, ये ट्रेन आपकी 043328 नंबर के साथ चलाई जाती है। ये ट्रेन आपकी प्रतिदिन चलती है सुबह 5:25 पर रवाना होती है कानपुर सेंट्रल से। इसके बाद ये ट्रेन कानपुर ब्रिज आती है 5:35 पर, मगरवाड़ा आती है 5:44 पर, उन्नाव जंक्शन आती है 5:52 पर। देखिए, इस ट्रेन का जो रूट है उन्नाव से बदल जाता है, उन्नाव से फिर ये ट्रेन आपके सीतापुर के लिए अलग रूट से चल देती है। पतियारा आती है 6:06 पर सुबह, सुबह 6:20 पर मक्खी, 6:34 पर आती है मैथी तिकूर, 6:45 पर आती है बारादेव, 6:56 पर आती है सफीपुर, 7:10 पर आती है युगु, 7:21 पर आती है फतेहपुर 84, 7:45 पर ट्रेन बांगरमऊ आती है, 2 मिनट का स्टॉपेज है, गंज मुरादाबाद आती है 8:02 पर, 8:16 पर मलालवा, 8:33 पर ट्रेन फरहत नगर, 9:15 पर माधोगंज, 9:26 पर सुबह गौतरहाल्ट, 9:37 पर आती है अथवा कुरसात, 9:48 पर आती है गौसगंज, 10:40 पर आ जाती है बालामऊ जंक्शन, 2:05 पर आती है गजूहाल्ट, 2:16 पर आती है आरसैनी, 2:26 पर आती है अथवा मुथिया हाल्ट, 2:38 पर आती है बैनीगंज, 2:50 पर नेमी सराड़े आती है नेमी सराड़, 3:10 पर घोरी हाल्ट, 3:17 पर मिश्रिक तीरथ और 3:37 पर बर्मी, 3:50 पर रामकोटी और शाम 4:25 तक ये ट्रेन सीतापुर सिटी आ जाने का समय रहता है। तो ये दो ट्रेनें जो कानपुर सेंट्रल से सीतापुर के लिए चलाई जाती हैं और कानपुर सेंट्रल सीतापुर सिटी प्रतिदिन चलती है, जबकि मुंबई सीतापुर हफ्ते में 3 दिन चलाई जाती है। तो ये अपडेट थी आपकी कानपुर से सीतापुर चलने वाली
दो ट्रेनों के बारे में। इसके अलावा रेलवे जब कभी अन्य ट्रेनों का संचालन शुरू करेगा तो उन ट्रेनों के बारे में मैं आपको सूचना दे दूँगा। तो ये अपडेट थी कानपुर सेंट्रल से सीतापुर चलने वाली ट्रेन के बारे में। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो से लाइक करें, शेयर करें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन हुआ, आप लोग उस बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको रेलवे से जुड़ी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होते रहेंगे। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैवी नाइस डे।